तो पटना फुलवारी शरीफ और दरभंगा में रविवार सवेरे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीए दरोड़ा की कार्यवाही करी पीएफआई कनेक्शन में करी कार्यवाही में दरभंगा थी एक व्यक्ति ने अटक में लेवामां बिहार विभिन्न जिल्लाओं में पीएफआई कनेक्शन ने लईने रविवार एनआईए द्वारा दरोड़ा पाड़वामां आव्या। एटीएस पण कार्यवाही में सामेल छे। पटनाना फुलवारी शरीफ और दरभंगा में एनआईए की कार्यवाही बिहार पीएफआई गतिविधियों एजेंसी तपास में थे खुलासा बाद करवामां आवी छे। तपास एजेंसीए फरीथी केटलीक लीड मळी होवाथी दरोड़ा की कार्यवाही करी। पटना में इमारते शरिया पास एक पुस्तक की दुकान पर दरोड़ा पाड़वामां आव्या। एनआईए ने शंका है कि अहीं धार्मिक उन्माद फैलावानी गतिविधियों संचालित थाय छे। इसमें एनआईए की टीम है और एटीएस वाले भी आए हुए हैं अंदर में। कहीं से कोई बुक मिला था जो, क्योंकि ये बुक का दुकान इनका है, तो जैसा कि मेरे सामने जो अंदर में बात हो रही थी, तो कोई बुक कहीं से मिला है, तो उनका कहना है कि हम यहीं से लिए हैं, यहाँ भी मिलता है। तो सारे लोग दो घंटे से पूरा दुकान छान मारे, लेकिन ऐसा कोई बुक मिला नहीं कि जिससे ये साबित हो सके कि ये गलत है, समझा ना। और इनका मोहम्मद रियाजुद्दीन कासमी नाम है इनका। इनका दुकान है, कुरान शरीफ बेचते हैं, हदीस वगैरह बेचते हैं, जो भी उर्दू अरबी तालीम का किताब होता है वही बेचते हैं, जा नमाज अतर उतर बेचते हैं, ये सबका दुकान इनका है। दरभंगा ना छोटकी बाजार विस्तार में आवेला एक शंकास्पद ठेकाणा पर एनआईए कार्यवाही करी। एटीएस एक शख्स ने कस्टडी में लीधो। पटना में रहेली आ व्यक्ति अभ्यास करते हतो ने छेल्ला केटलाक दिवसोथी दरभंगा में रहते हतो। ब्यूरो रिपोर्ट।